वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्जामिनेशंस 28 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और एग्जामिनेशंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और एग्जामिनेशंस के बाद जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। सेकंड प्रश्न पूछा गया था माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गोवा का आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सूरज कुंड मेला किस जिले में लगता है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो है केसरिया बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है, तो मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. ओल्डकॉट ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2022 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला था, 25 लोगों को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था 1981 की जनगणना में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था, तो आसाम को नहीं शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था 13 जुलाई 2023 को विश्व पुरुष हॉकी की मेजबानी किस राज्य ने किया है, तो उड़ीसा ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था मोमबत्ती के लौ जो है उसमें कितने भाग होते हैं, तो मोमबत्ती के लौ में 3 भाग होते हैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है प्रतिकूल कार्य करना होता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या बोला जाता है, एक शब्द में अक्षम बोला जाता है। पत्थर का पर्यायवाची पूछा गया था, तो प्रस्तर हो जाएगा, उपल हो जाएगा, पाषाण, पहान, ये सभी हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया था, तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना। नदी का बहुवचन क्या होगा, नदिया हो जाएगा। अब देखिए, मुझे 19वीं क्वेश्चन मिला है फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है 29 अगस्त को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितना है, तो ये 65.46% है। त्रिपुरा के आधिकारिक भाषा पूछा गया था, तो बंगाली, अंग्रेजी, कोक बोरोक, ये सभी त्रिपुरा के आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका को दायर किया जा सकता है 136 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की कुल साक्षरता दर पूछा गया था,
तो 75.36% हो जाएगा। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल है। उड़ीसा के उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में है। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। निर्माण का विलोम पूछा गया था, ध्वस्त हो जाएगा। धूप का पर्यायवाची पूछा गया था, घाम, रवि प्रभा, आतप, ये सभी धूप का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सभी जेन्युइन प्रश्न मुझे मिला है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह एग्जाम में एनालिसिस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।